सबसे पहले यहाँ म्यूजियम हमारा 1992 में बना और बनाने का उद्देश्य यही था कि पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ भी देखते हैं बहुत से म्यूजियम हैं। खाने के लिए तो सबने झगड़ा किया, सबने लड़ाई की, लेकिन पैखाने के लिए किसी ने नहीं सोचा। तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने 1992 में म्यूजियम यहाँ पे बनाए और ये वर्ल्ड का आपका फर्स्ट म्यूजियम है। आप देखते हैं कि जैसे अभी हम इंग्लिश यूज करते हैं जी, इंग्लिश हमारा फॉरेन लैंग्वेज है जी, और इंग्लिश हमको हिंदुस्तान वाले को इंग्लिश ब्रिटेन से आई जी, तो उसी तरह हम जानते हैं कि इंग्लिश सीट भी फर्स्ट टाइम यूरोप में यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश सीट जो था अपने इंडिया में सबसे पहले 2500 BC पहले यूज हुआ था, वो भी मोहन जोदड़ो के पीरियड में। तो सोचिए हमारा करीब 2500 BC करीब 4500 साल पहले हमने इंग्लिश सीट अपने इंडिया में यूज किया जी। लेकिन आज हम क्या जानते हैं, इंग्लिश सीट मतलब फॉरेन से आई होगी या विदेशों में पहले यूज हुआ हो, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर इतना ग्रेट था, इतना डेवलप था कि सबसे पहले हमने इंग्लिश सीट यहाँ पे यूज किया मोहन जोदड़ो में। मिडिल में होल था, बैठ के डेफिकेट किया, जो भी लैट्रिन था वो नीचे आया, फ्लश करने के बाद सारा लैट्रिन जो था ड्रेन से गाँव के बाहर जाती थी। तो पूरे विश्व में सबसे पहले अपने इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम यूज हुआ था। दूसरा यूज हुआ था आपका इंग्लिश सीट का, जो वेस्टर्न सीट हम जानते हैं। तीसरा यूज था रेन हार्वेस्टिंग का, जो ग्रेट वार था आपका मोहन जोदड़ो का। इसमें क्या था, पानी को स्टोर करते थे, जो अगले दिन नहाने के लिए या पूजा पाठ के लिए जो भी पानी यूज करते थे वो सब यहाँ स्टोर करके रखते थे। जो भी गंदगी हो जाती थी पानी, वो इसी ड्रेन से फिर बाहर फेंक दिया करते थे। तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ड्रेनेज सिस्टम अपने इंडिया में यूज हुआ था, और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ग्रेट था, और पूरे विश्व में सबसे पहले अपने इंडिया में ही सब कुछ स्टार्ट हुआ। लेकिन आज हम जानते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं। ये है आपका इंडिया का मैप, और ये था आपका इंडस रिवर, और इसी के किनारे डेवलप सिटी था मोहन जोदड़ो। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम मिला, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। दूसरा यूज हुआ था टेराकोटा पाइप और कुआं का। आज भी हम अपने इंडिया में कुआं यूज करते हैं, बहुत से जगह कुआं का यूज हो रहा है। तो ये कुआं हमारा सबसे पहले 2500 BC यूज हुआ था धौलावीरा डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात में। यहाँ फर्स्ट टाइम कुआं का यूज हुआ। दूसरा यूज हुआ टेराकोटा पाइप का, जो हर एक घर में बाथ सीट से ऐड होती थी। यहाँ पे जो भी वो नहाने का पानी यूज करते थे वो इसी टेराकोटा पाइप से फ्लश होके बाहर जाते थे। तो इतना डेवलप था, इतना ग्रेट था हमारा इंडस वैली पीरियड। अभी हम ऐसा शौचालय यूज कर रहे हैं, सुलभ का ये भी ब्रांच है, और सबसे ज्यादा यूज होता है पार्टी फंक्शन में, स्लम एरिया में, फेयर इवेंट्स में ज्यादा यूज करते हैं जी। अब जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनके तो सही से घर नहीं है, तो शौचालय कहाँ से यूज करेंगे जी। तो उनके लिए ऐसा मूवेबल शौचालय यूज करते हैं ताकि वो रोड को गंदा ना करें, इसी में यूज करें। बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में 2nd century AD में ऐसा टॉयलेट पैन यूज हुआ था। ये भी आपका शौचालय है, टॉयलेट पैन जो आप देख रहे हैं सेंटर में बड़ा सा होल है, वो लैट्रिन का होल था, डेफिकेशन होल हुआ करते थे। वो छोटा सा होल है वो यूरिन के लिए यूज करते थे, जो आप छोटा सा होल देख रहे हैं वो यूरिन का था जी। जो बुद्धिस्ट नन लोग ऐसे पैन को यूज करते थे, बुद्ध के पीरियड में भी ज्यादा यूज हुआ था ऐसा। 1709 AD में यूरोप में एक ब्रॉन्ज का बाथ टब यूज हुआ था। ये आपका ब्रॉन्ज का बाथ टब है जो नहाने के लिए इसको यूज किया जाता था 1709 AD में, और अपने इंडिया में ब्रॉन्ज इससे पहले हमने यूज कर लिया था। अभी हम शौचालय के लिए जाते हैं तो लिखा होता है लेडीज और जेंट्स,
एक सिंबल होता है उसको देख के लेडीज लेडीज में जाती है, जेंट्स जेंट्स में जाते हैं। इससे पहले भी कुछ सिंबल रहा होगा, तो इससे पहले ऐसे सिंबल्स को वो लोग यूज करते थे। ये जेंट्स का डोर हैंडल था, ये लेडीज के लिए यूज करते थे। विष्णु पुराण में भी बताया गया कि जहां से आपका पानी पीने का सोर्स होता था, पहले तो साधन यही था आपका कुआं, तो कुआं से 10 कदम की दूरी पे लैट्रिन लैट्रिन शौचालय वो लोग यूज किया करते थे पुराने जमाने के लोग। जहां बस्ती होती थी, गांव होता था, गांव से 100 कदम की दूरी यूज करते थे, और जहां मंदिर होती थी, मंदिर से 400 कदम की दूरी पे लैट्रिन टॉयलेट यूज किया जाता था। आज का पीरियड हम देखते हैं कि शौचालय को घर में लाके यूज करते हैं। पहले क्या था, शौचालय के लिए बाहर जाके यूज करते थे। ये है आपका जॉन हैरिंगटन। जॉन हैरिंगटन 1596 में इन्होंने फ्लश टाइप टॉयलेट बनाया था, जिनको WC बोलते हैं, वाटर क्लोजेट। और जब इन्होंने टॉयलेट बनाया तो इनको जेल की सजा भी हो गई उस पीरियड में। जेल की सजा इसलिए हो गई कि इस समय लोग टॉयलेट के बारे में नहीं जानते थे और टॉयलेट को बहुत गंदा मानते थे। और जब लोगों ने टॉयलेट के बारे में समझा कि हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, तो फिर इनको कंट्री में सर की उपाधि मिली, तब इनका नाम पड़ा सर जॉन हैरिंगटन। और आज इनको WC के नाम से जानते, फ्लश टाइप टॉयलेट के इन्वेंटर थे। ऐसा टॉयलेट आपका 1920 में अमेरिका में यूज हुआ था। इसमें खासियत यह थी कि इसमें 2 फ्लोर्स होते थे, नीचे का फ्लोर ऊपर का फ्लोर। नीचे वाली फ्लोर थी वो ऑफिस के स्टाफ के लिए रिजर्व था, ऊपर वाली फ्लोर थी वो ऑफिस के बॉस के लिए रिजर्व होते थे, क्योंकि बॉस तो बॉस होते हैं। तो इस तरह बस माइंड सेटअप के लिए कि यार मैं आपका बॉस हूं तो मैं आपके ऊपर यूज करूंगा, आप मेरे जूनियर हो तो आप नीचे चले जाओ, बस यही पीरियड था। लेकिन एक तरह से देखिए तो ये पीरियड शायद अभी भी चल रहा है कि बॉस का कोई चीज हम लोग टच नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ अपने इंडिया में, उसी तरह यूरोप में क्या था, एक बीमारी थी प्लेग। प्लेग से ऐसा बोला जाता है करीब 70% लोग इस बीमारी से यूरोप में मर गए थे। फैलने का कारण क्या था कि जो भी यूरोपियन फैमिली थी वो लैट्रिन करके ऐसे बकेट में स्टोर किया करते थे। स्टोरेज जैसे फुल हो जाता था वो रात को खिड़की से फ्लश कर दिया करते, जो गंदगी घरों के आसपास ही फेंका करते थे। इस कारण यहाँ बहुत सी गंदगी जमी और इसी गंदगी से बीमारी आया। इतने लोग मरे कि हिस्ट्री में एक लेसन है जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, और यही आपका सेंचुरी था 14th-15th century, जो ब्लैक डेथ का पीरियड था आपका। आप देख रहे हैं कि अपने इंडिया में बहुत बड़े बड़े महल हैं, बहुत बड़े बड़े किला हैं। ये है आपका कुंभलगढ़ फोर्ट का टॉयलेट सीट। इसमें क्या था कि जो भी इसके होल होते थे, जो भी गहराई होती थी, वो 40 से 50 फुट गहरी खाई की तरह होती थी। इसमें जो भी लैट्रिन यूज करते थे वो सीधे खाई में जाके गिरते थे, तो फ्लश नहीं करते थे इसमें। ये है आपका भानगढ़ फोर्ट, जो आपका हॉन्टेड पैलेस है इंडिया का। इसमें भी शौचालय था। ये है आपका शौचालय भानगढ़ फोर्ट का। ये है जहांगीर महल पुष्कर का। इसमें भी आपका टॉयलेट सीट था। लेकिन इन सब में खासियत क्या थी कि हर एक फ्लोर में एक एक टॉयलेट सीट होते थे। लेकिन आप आमेर फोर्ट जाएंगे, राजस्थान में ही है, आमेर फोर्ट में जाएंगे तो इसमें एक साथ बैठ के 8 लोग यूज करते थे। सिर्फ उनकी रानी लोगों के लिए बना होता था, हरम में यूज किया जाता था। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कुल मिला के इनका दिन का जो भी झगड़ा होता था वो इसी पे सॉल्व कर लिया करते थे ये लोग। तो इसलिए वो ग्रुप में यूज करते थे और एक साथ बैठ के 8 लोग मिलकर यूज करते थे। ये है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, जो पंढरपुर महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इसलिए है कि यहाँ भगवान विट्ठल स्वामी जी का मंदिर है इसके अपोजिट में। इस कारण यहाँ पर डे लाखों लोग इसमें यूज करते हैं।
यूज करने का कारण यह है कि ये विट्ठल स्वामी जी एक टूरिस्ट पैलेस के, यहाँ जो मंदिर है टूरिस्ट पैलेस हो गया, और इस कारण पर डे इसमें लाखों लोग यूज करते हैं, तब ये वर्ल्ड का फर्स्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि इतने टॉयलेट रूम है इसमें, बहुत से टॉयलेट सीट देखा होगा आपने, ये भी आपका टॉयलेट सीट ही है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा होते, उसी तरह फ्रांस ने ब्रिटेन को इंसल्ट करने के लिए उसके क्लासिकल बुक मैकबेथ को ली। ये मैकबेथ की बुक है और रिटन बाय शेक्सपियर। तो फ्रांस वालों ने क्या किया, बुक के मिडिल पे होल किया, इसमें टॉयलेट सीट बिठाया और इसी पे बैठ के वो लैटिन करते थे। जो भी वेस्टेज होती थी वो नीचे बकेट में जमा हो जाती थी। तो इनको इंसल्ट करने के लिए उसी के बुक पे बैठ के वो लैटिन किया करते थे, और ये झगड़ा बहुत दिनों तक इन दोनों के बीच चला था। ये भी कुछ अजीब टाइप का टॉयलेट है जो ब्रिटिश लोग ज्यादा यूज किया करते थे। नाम है इसका मल्टीपर्पज टेबल। अब आप देख रहे हैं, जब ब्रिटिश लोग जंगल में शिकार खेलने जाते थे तो ऐसे टेबल को साथ ले जाते थे। अभी टेबल है तो इस पे खाना खाया, इस पे बुक पढ़ा, प्लेइंग कार्ड खेला, और जब ज्यादा खा लिया करते थे तो इस तरह टेबल उठाया और इसी पे यूज करते थे। तब है ये आपका मल्टीपर्पज टेबल, खाओ भी इसी पे, जाओ भी इसी पे। लेकिन अपने इंडियन कल्चर में हम ऐसा जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे हम लोग खाते हैं वहां जिंदगी में शौच के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन ब्रिटिश लोग ऐसा करते थे अपने समय में कि जहां पे वो लोग खाए वहीं पे वो लोग यूज किया करते थे। ये है आपका लुईस 14 का टॉयलेट सीट, लुई फिलिप 14। उनको क्या था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, इस कारण वो ऑडियंस को लेक्चर नहीं दे पाते, सभा में न्याय नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस में ही थ्रोन सीट बना ली, और इसी थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बना के वो यूज किया करते थे। तो सभा में टाइम देने के लिए वो इसी पे बैठ के यूज भी किए और खुद का काम भी करते थे, तो दोनों काम वो इसी पे किया करते थे। ये सब है आपका 18-19 सेंचुरी के पॉट्स हैं, जो रॉयल फैमिलीज होती थी वो ऐसे पॉट्स को गोल्ड और डायमंड से बना के यूज करती थी, मतलब बड़े लोगों की बड़ी बात है। फिर जो स्टाफ होते थे वो कभी कभी यूज किया करते थे, जो उनके मालिक होते थे वो लोग। फिर जो स्टाफ आए सारे वेस्टेज को क्लीन किया, फिर इसमें फ्लावर्स रखते थे। तो ये आपका फ्लावर पॉट्स भी था और टॉयलेट सीट भी था, तो दोनों कामों के लिए इसको यूज किया जाता था। कलरफुल है, शोकेस के लिए ज़्यादा यूज करते थे कि यार मेरे घर में हीरे का टॉयलेट है, सोने का टॉयलेट है। अभी जो हम सीट आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट, जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है वो लोग भी यूज करते हैं ऐसे सीट को, और सबसे ज़्यादा कसिनोज में यूज हुआ था। अब कसिनो में गेम खेला करते थे, गेम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, तो वो लोग गेम छोड़ के नहीं जाते थे। वो लोग क्या किया, ऐसे टेबल को उठाए और इसी पे बैठ के वो लैटिन भी यूज करते थे, फिर गेम भी खेला करते थे, तो दोनों काम वो इसी पे यूज करते थे। ये सब है आपका ह्यूमर सेक्शन। वहां एक बात लिखी है, आई हेट डेफिकेटिंग इन ओपन बट देयर आर द फैसिलिटी। हाथी को भी खुले में शौच करने के लिए नफरत होती, पर वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उनके लिए उतना बड़ा टॉयलेट सीट कहां से आया। जो थाईलैंड वालों ने क्या किया, हमें एक बिग लेसन दिया, और आज के डेट में यहाँ हाथी इतने वेल ट्रेंड है कि इसी पे यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते, और हम तो इंसान हैं आज भी खुले में ही यूज करते हैं। तो जानवर बहुत समझदार हो गए और हम इंसान जानवर से भी खराब हो गए। ये है आपका वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट और मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट, स्पेस टॉयलेट, जो आपका स्पेस में यूज होता है। कॉस्ट है इसका $19 million। यूज क्या है, स्पेस में पानी पीने का सोर्स नहीं है तो पानी कहां से यूज करेंगे।
इसमें क्या है, जो भी हम यूरिन यूज करते हैं उसी को प्यूरिफाई करता है और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है, और यही प्यूरिफाई यूरिन ये लोग पीते हैं जो रिसर्च के लिए एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो लोग। आज देख रहे हैं कि चाइना एक बहुत ही अलग करके सोचता है, चाइना ही ऐसा देश है जो कुछ हटके काम करता है। तो चाइना में एक रेस्टोरेंट है, इसमें क्या है, जो भी खाने के आइटम्स हैं वो टॉयलेट बॉल में सर्व करते हैं, जो भी केक है वो लैटिन की तरह लैटिन के शेप में बना के वो सर्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं बैठने का जो भी सीट है वो टॉयलेट सीट की तरह है, खाने के जो भी आइटम्स आ रहे हैं वो टॉयलेट बॉल में ही सर्व करते हैं। तो टॉयलेट थीम में बनाए रेस्टोरेंट है आपका, तो है ना, चाइना कुछ अलग हटके काम करता है। आजकल देख रहे हैं कि मॉडर्न टाइम हो गया, डेवलप टाइम है, तो कपल्स का भी टाइम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो उनके लिए भी एक टॉयलेट सीट यूज हो रहा है जो एक साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर देख रहे हैं जो बिजी पर्सन है उनको ऑफिस से लेकर टॉयलेट में भी टाइम नहीं, तो उनके लिए भी शौचालय बना है ताकि वो शौचालय में सारा काम यूज कर सके। आजकल देख रहे हैं कुछ नया सोच भी आ रहा है, तो कुछ लोग हैं जो अपने घरों में ऐसा यूरिनल पॉट्स बना के यूज करते हैं। जब इसमें वो यूज करते हैं तो उनको लगता है हम पौधे को पानी दे रहे हैं, तो उनका माइंडसेटअप ऐसा हो जाता है। तो ये सब आपका रिसेंट में अभी है, जो अभी हाल फिलहाल में यूज हो रहे हैं ऐसे पॉट्स, जो टॉयलेट सीट भी है आपका और यूरिनल भी है आपका। ये है आपका कैंपिंग टॉयलेट या टेंट टाइप टॉयलेट इसको बोलते हैं, जो पहाड़ पे आर्मी लोग भी ज्यादा यूज करते हैं या जहाँ पे कैंपिंग होता है वहां भी यूज करते हैं। ये कोरिया का डेवलप है। जैसे आप देख रहे हैं कि वो लोग ऐसे बैग को यूज करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जाता है। वो बैग को क्या करते हैं, ऐसे कवर करके यूज किया, यूज करने के बाद वो बैग को उठा के ऐसे फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करने के बाद वो नीचे रख देते हैं या मिट्टी के नीचे रख देते हैं। तो क्या होता है, एक महीने के अंदर सारा बैग डिकम्पोज हो जाता है, सब खत्म हो जाती है विथ प्लास्टिक। इसलिए डिग्रेड हो जाता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल बनाया जाता है। जो मैला ढोने वाली प्रथा थी जिसको मैनुअल एक्सकेवेंजिंग का पीरियड बोलते हैं, तो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग में क्या था, सिंगापुर में ऐसा पॉट्स यूज किया जाता था, जो भी ह्यूमन वेस्ट होते थे वो इसमें रख के गंदे जगहों पे फेंक दिया करते थे। तो मैला ढोने वाले लोग ऐसे पॉट्स को यूज करते थे। ये सिंगापुर में यूज हुआ था और ये आपका चाइना में यूज हुआ था, जो आप ऐसा, ये आपका चाइनीज पॉट है, जो भी लैटिन टॉयलेट होते थे इसी में रख के वो गंदे जगहों पे फेंका करते थे। घरों में देखते हैं इंडियन सीट जो होता है ऐसा नॉर्मल सीट हो गया आपका, फिर घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो जमीन पे बैठ नहीं पाते, कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो उनके लिए ऐसा टॉयलेट सीट बना है ताकि वो आराम से इस पे बैठ के यूज भी कर सके, उनके कमर में घुटने में ज्यादा परेशानी भी ना हो, दर्द भी ना हो, तो उनके लिए ऐसा बनाया। आप जो देखे हैं चाइनीज रेस्टोरेंट ऐसे ही बॉल को वो यूज करते हैं खाना खाने के लिए, इसी में खाना लाके वो सर्व करते हैं। और अमेरिका में लास वेगास एक सिटी है जिसे कैसीनो सिटी के नाम से जानते हैं, तो लॉस वेगास में ऐसे पॉट्स को बियर पीने के लिए यूज करते हैं, तो उनका ये बियर मग है जो आपका लिखा है लास वेगास, तो ऐसे पॉट्स को बियर पीने के लिए यूज करते हैं कैसीनो में। आप देख रहे हैं ये सब कुछ आइटम्स हैं जो सुलभ को गिफ्ट में मिला था, कुछ अवार्ड्स हैं। ये है आपका महात्मा गांधी जी द्वारा यूज किया हुआ उनका टॉयलेट, उनके आश्रम का, बर्दा आश्रम नागपुर का, और वो इस टॉयलेट में यूज भी करते थे और खुद से इसको क्लीन भी करते थे, दोनों काम वो साथ करते थे, एक साथ में साफ भी कर लिया। आप देख रहे हैं टब को इसी में साफ करके फिर से वो इसको रीयूज करते थे। सुलभ का एक ब्रांच है आउट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान में,
और ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है सुलभ का। इसमें क्या है, दो बायोगैस प्लांट है। अब सोचिए एक बायोगैस प्लांट चलाने के लिए कम से कम 1 से 2 हजार लोगों का वेस्टेज जरूरी है, और यहाँ 2 हजार बायोगैस प्लांट है 4 हजार लोगों का। हाँ, तो इसमें क्या है, अब बायोगैस में जो भी ह्यूमन वेस्ट हम यूज करते हैं उसी से इसको खाद भी मिलती है और बिजली भी मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है सुलभ का जो आउट ऑफ इंडिया है। आइए फिर, ये है स्क्वायर ट्रीज कंपनी। पहले क्या था, अपने घरों में जो इंडियन सीट होती थी वो फ्लैट होता था, प्लेन होता था, इतने हाई में नहीं होते थे। इतने हाई में इसलिए बनाए हैं जो घर में बुजुर्ग लोग हैं वो, या जो मोटे लोग होते हैं वो जमीन पे बैठते हैं, वो आगे की तरफ भी झुकने लगते हैं, पीछे की तरफ भी गिरने लगते हैं, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनके कमर में भी ज़्यादा पेन होता है, घुटने में भी ज़्यादा दर्द हो जाती। तब उनके लिए ऐसा स्लोप बनाया ताकि उनका जब बैठे तो उनका पैर इस पर एडजस्ट हो जाए, वो आराम से बैठ कर इस पर यूज कर सकते हैं। और इस पर एक एंगल बनता है जो बेटर एंगल है फ्रेश होने के लिए। ये है आपका साउथ अफ्रीका में सोलर टॉयलेट, ज़्यादा साउथ अफ्रीका में यूज हुआ। अब सोलर टॉयलेट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो फैन है आपका, ये सोलर फैन से स्टार्ट रहेगी, सोलर पैनल लगा है, सोलर पैनल से स्टार्ट रहेगी, हमेशा स्टार्ट रहेगी। अब क्या है, इसमें हम बैठ कर यूज कर लिए, इसमें यूज करते हैं तो यूज करने के दौरान हम यूरिन भी यूज करेंगे और लैट्रिन भी यूज करेंगे। तो यूरिन में पानी रहेगा और लैट्रिन में भी पानी रहती है। तो इसमें क्या है, जैसे हम इसमें यूज करते हैं तो ये जो रॉड आप देख रहे हैं, रॉड हीट हो जाती है। हीट इसलिए हो जाती है कि सोलर पैनल से फैन हमेशा स्टार्ट रहेगा। तो जैसे हम इसमें यूज करते हैं तो हमारा यूरिन और वेस्टेज का पानी दोनों भाप बन के, इवापोरेट होकर बाहर चला जाता है। जो सॉलिड बचता है वो सॉलिड को क्या करते हैं, हम स्ट्रे में बाहर निकालते हैं। स्ट्रे में बाहर निकाला, फिर सनलाइट में इसको ड्राई करते हैं, थोड़ा सा और ड्राई हो जाता है तब वो कंपोस्ट हो जाता है आपका। और कंपोस्ट होने के बाद उसको क्या करते हैं, वो हमारा नेचुरल कंपोस्ट हो गया। अब उस कंपोस्ट का यूज कैसे करते हैं, आप देखते हैं उसको खेतों में यूज करते हैं, वो खाद जो हमारा ऐसा हो जाता है। अब ये सूखा हो गया, सूखा हो कारण क्या है कि ये सनलाइट में ड्राई कर लिए, और ड्राई जैसे होगा तो इसमें बैक्टीरिया खत्म हो गई, स्मेल खत्म हो गया। अब आपका ये नेचुरल कंपोस्ट है जो काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि आप देखते हैं खाने में जो भी हम आइटम्स यूज करते हैं बहुत विटामिन आते हैं, तो जो भी विटामिन है हमारा इसी में यूज हो गया, तो जब ड्राई हो गया तो ये हमारा नेचुरल कंपोस्ट है। तो ये हमारा नेचुरल कंपोस्ट हो गया, तो खेतों में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ये आप देख रहे हैं प्रिंटर मशीन की तरह टॉयलेट है, जो पिकनिक टॉयलेट के नाम से जानते हैं। नाम है इसका पोर्टा पॉटी, ये है आपका पोर्टा पॉटी। ये आपका ट्रेवलिंग पॉट है, कहीं भी गाड़ी में जाते हैं तो कैरी करके इसको ले जाते हैं, जब पिकनिक खत्म हो जाती है फिर यूज करके इसको घर ले आते हैं, तब इसका नाम हो गया आपका पिकनिक टॉयलेट या पोर्टा पॉटी। ये है आपका बहुत ही डेवलप्ड टॉयलेट जो जापानियों ने बनाया, जापान की टोटो कंपनी ने इसे बनाया, नाम है इसका वासलेट। ये किसी भी इंग्लिश सीट के ऊपर ऐड हो जाती है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें क्या हैं, ये सब सेंसर है, सब मशीन के द्वारा यूज होते हैं। जैसे हमें प्रेशर नहीं आ रहा तो फर्स्ट टाइम इस पर बैठेंगे यूज करने के लिए तो ये सीट क्या हो जाएगी, सीट इतना वाइब्रेट करके मसाज हो जाएगा जो गर्म रहती है, तो मसाज करेगी, जैसे मसाज करेगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, जब फ्रेश होंगे तो क्लीन करेगा, फिर ड्राई करेगा। अगर हमें ऑडियो सुनने का मन किया तो आपका ऑडियो भी चलेगा इसमें, फिर शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब चेक कर लेंगे इसमें। तो हाईली एडवांस टॉयलेट है आपका जापान का। ये है आपका WW, ये है आपका वॉश बेसिन, ये है आपका वाटर क्लोजेट। अब वॉश बेसिन वाटर क्लोजेट इसलिए नाम है कि पहले क्या था,
बैठ के हम इस पे यूज करते थे, उसके बाद उसको फ्लश कर लिया, फिर आके हैंड बेसिन में पानी यूज करते थे, तो इसका फ्लश अलग हो जाता था, उसका फ्लश अलग होता था, तो दोनों में पानी अलग अलग वेस्ट होता था। अब क्या सिस्टम है कि वॉश बेसिन में हम जो भी पानी यूज करते हैं इसी पानी से ये फ्लश हो जाता है। तो कुल मिला के इसमें पानी को हम सेव करते हैं, तो ये हमारा सेविंग टॉयलेट है आपका, वाटर सेविंग टॉयलेट है आपका, जो पानी को सेव करते हैं इसमें। पहले अलग अलग यूज करते थे। ये सब एक थेरेपी है, सब एक प्रेशर मसाज है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है सुजॉक थेरेपी, जो डॉक्टर सरपाल कप कोरिया के हैं उन्होंने बताया। जैसे कहीं हम मीटिंग में है या पार्टी फंक्शन में है या कहीं ट्रेवलिंग में है, उस समय हमें प्रेशर आता है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। अब दोनों इम्पोर्टेंट है, प्रेशर भी और मीटिंग भी। तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने किसी भी हाथ पे पेन और पेंसिल के नोब से जो एंटी क्लॉकवाइज एक बनाएंगे डायग्राम, घड़ी का उल्टा हम 3 से 4 बार ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो प्रेशर है करीब 20-25 मिनट के लिए कंट्रोल में आ जाता है। सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम डॉट डॉट में यूज करेंगे, और ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ हम घड़ी का उल्टा ही यूज करें, और घड़ी के टाइप में यूज करते हैं तो जो हमारा प्रेशर थोड़ा है वो और तेज हो जाएगा। तो दोनों बात है इसमें, तो कंट्रोल करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम यूज करेंगे, बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये है आपका सबमरीन का टॉयलेट, जो सबमरीन में यूज होता है पानी के जहाजों में, इसका नाम है इंसिनोलेट मशीन। अब पानी को गंदा भी नहीं करना है और यूज भी करना है। इसमें क्या है, वो लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं, टिश्यू पेपर इस तरह कवर करके बैठ के यूज कर लिए। यूज करने के बाद ये पुश बटन है आपका, जो पैरों से इसको पुश करते हैं, ऐसे पुश करेंगे तो इसका गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। पहले ऐसे था, अब ओपन हो जाएगा। अब जो भी वेस्टेज है विथ टिश्यू पेपर नीचे चला जाएगा। अब ये बंद कर देते हैं। उसके बाद जब इसको पुश करते हैं तो इसमें जो भी टिश्यू पेपर और लैट्रिन है आपका सब जल जाता है, सब बर्न हो जाते हैं। तो और पानी को गंदा भी नहीं करते हैं, जो थोड़ा सा डस्ट बचता है उसको एक बैग में रखते हैं, और जब सीप बाहर आती है तो उसको खेतों में यूज कर लेते हैं। तो ये पानी को गंदा भी नहीं करते हैं और यूज भी कर लेते हैं। तो अभी ऐसा सीट को हम घरों में यूज नहीं करते हैं। घरों में यूज इसलिए नहीं करते हैं कि इसका कॉस्ट ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए इसको घरों में यूज नहीं करते, सिर्फ सीप में यूज करते हैं। ये सब कुछ गिफ्ट है जो सुलभ को आपका मिला। ये दो बायोडिग्रेडेबल कैरेक्टर है, मिस्टर पी मिस्टर पू, जो टॉयलेट कलर में है आपका, येल्लो कलर यूरिन का हो जाता है, ब्राउन कलर लैट्रिन का हो जाता है, तो उस टाइप में ऐसा बना के। ये है आपका एक्सपर्ट चॉइस जो 2019 में सुलभ को मिला। ये है आपका हिस्ट्री चैनल का, जो हिस्ट्री चैनल में भी इसका आया था, तो ये आपका अवार्ड है हिस्ट्री चैनल का, जो आप देख सकते हैं यहाँ। फ्लैग इसलिए है कि जो इतने सारे देशों ने यहाँ पे मदद की, जो आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं इन सारे कंट्री ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, तो उन सब देशों का ये फ्लैग्स हैं। सारे कंट्री को जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी हैं उन्होंने मेल किया, और इन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन जो टॉयलेट से रिलेटेड थी इन लोगों ने सुलभ को डोनेट किया, तो आज आपका ये म्यूजियम यहाँ पे बना है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट है टॉयलेट से रिलेटेड, और पूरे विश्व में 3rd नंबर पे इसका स्थान है। ये है आपका वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट टॉयलेट कम्प्लेक्स है, जो इतने बड़े मंजिल में बना है सिर्फ टॉयलेट का, जो शिरडी साईं बाबा मंदिर के पास है। अब शिरडी में दर्शन करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, जो लोकल और विजिटर भी आते हैं, तो कुल मिला के लाखों लोग इसमें पर डे यूज करते हैं। तो ये है आपका टॉयलेट म्यूजियम जो आप देखें अभी यहाँ पे, और पूरे विश्व में 1 है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी इनके फाउंडर हैं,
तो हमारा ये म्यूजियम यहाँ पे खत्म होती है।